अभी भी आजकल हमारा नींद पूरा क्यों नहीं होती कभी भी। देखो पिछले लगभग एक हफ्ते से या उससे ज़्यादा टाइम से, हफ्ता 10 दिन से मेरे को ना ढंग से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही। मैं रात को सोता तो सुबह देर से भी उठता हूँ, शाम को फिर से नींद आ जाती है, दोपहर में भी नींद आती रहती है। आलसी कोड़िया हो गया हूँ या तो बुढ़ापा आ गया है, पता नहीं जो भी है, बस नींद पूरी नहीं हो रही भाई, समझ ही नहीं आ रहा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है सितंबर एंड मेरे 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 211 देख रहे हो आप, 211वां ब्लॉग, 211। एक ही चीज को मैं 3 बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नींद में हूँ मुझे लग रहा है। तो जल्दी से उठते हैं, मुंह पे पानी मारते हैं, शरीर पे तौलिया मारते हैं, मतलब नहाते हैं, ताकि थोड़ा ये आलसपन दूर भागे, नींद अपने शरीर से दूर हटे थोड़ा, और मंदिर वंदिर चले नहा धो के रेडी होके, फिर नाश्ता पानी का हिसाब किताब देखा जाएगा। तो बहुत ही जोरों शोरों से आज फास्ट सर्विस देते हुए मिस्टर रघुवंशी नहाना धोना हो गया, घर में पूजा हो गई, सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा दिया, अब चल रहे हैं मंदिर और भोलेनाथ को जल चढ़ा के आएंगे। सो देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द प्रोग्राम। वो कहे ना घर वाले प्रोग्राम बना लेते हैं, जब मेरा प्रोग्राम बन जाता है उसके बाद अपना प्रोग्राम बताते हैं। तो क्या था कि मैं जा रहा था मंदिर, जल चढ़ा के वापस आता, फिर रेडी होता, ऑफिस जाता, लेकिन प्रोग्राम ऐसा है कि मेरे को यहाँ से शास्त्री नगर वाले घर जाना है, क्योंकि मैं उधर ही मंदिर पे जा रहा था, नीलकंठ महादेव, तो वहीं से खाना खा के वहीं से ऑफिस निकलना है। तो ऑफिस वाले कपड़े पहन के जाऊंगा ना, ऑब्वियसली बात है, कैजुअल में थोड़ा जाऊंगा। तो कपड़े लत्ते चेंज करते हैं और चलते हैं जल चढ़ाने। देखो जीवन में क्या है, एक अपना खुद का प्लान होता है, घर वालों का प्लान होता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन ही अप्लाई होता है। तो कॉम्बिनेशन हो चुका है, अपन कपड़े चेंज कर चुके हैं, मैं उधर से उधर ऑफिस निकल जाऊंगा। तो अभी मैं पहले मंदिर जाऊंगा, फिर मैं वो वाले घर पे जाऊंगा, वहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद अपन ऑफिस जाएंगे। तो चलते हैं मंदिर। तो मंदिर में हमेशा की तरह आज भी भोलेनाथ के पास लाइन लगा के जल चढ़ाने के लिए लोग खड़े हैं, और बहुत ले दे के जल चढ़ाने को मिला आज। तो देखो मंदिर में पूजा पाठ हो गई, और घर पे आने के बाद भी पूजा पाठ हो गई, अब अपन अपना लंच खाएंगे और निकलेंगे ऑफिस। तो खाने में आज है प्याज का पराठा, मक्के की सब्जी, दही दे सॉस। जल्दी जल्दी खाते हैं क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो खाना पीना हो गया, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस, अब मिलते हैं शाम को 5:30-6 बजे के बाद। टड़ा, आज ऑफिस जाते जाते जितनी जल्दी और हड़बड़ी थी, वापस आते आते उतने ही आराम से आए हूँ, एकदम सिलो ओली। और अभी देखो जोरों की भूख लगी, क्योंकि सुबह से बस मैंने 3 प्याज के पराठे खाए, और सुबह से जब तक मैं मंदिर नहीं गया था तब तक मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो बस वो पराठे पे चल रही है जिंदगी। उसके बाद एक कप कॉफ़ी पिए शायद ज़्यादा से ज़्यादा। तो जोरों की भूख लगी है, ताऊ जल्दी से हुलिया चेंज करते हैं, मुँह पे तौलिया मारते हैं और कुछ खाते हैं। येल्लो येल्लो डैटी फैलो, क्या भी अपने स्कूल में अपने येलो हाउस वाले बंदों को यही बोल के चिढ़ाते थे, मैं तो यही बोल के चिढ़ाता था। वैसे आप कौन से हाउस में थे कमेंट करके बताएं, मैं था ब्लू हाउस में, ब्लू हाउस। तो आज शाम के खाने की शुरुआत मीठे के साथ, मासी ने दे दिया है सूजी का हलवा, और मासी ने बहुत अच्छा बनाया है आज पनीर की भुर्जी, इसको मैं 2 पराठे के साथ खा रहा हूँ। और अभी एक वैरायटी बची हुई है, वो अभी बताता हूँ कौन सी है, वो है सूजी दा चीला। सूजी का हलवा खाया, फिर अभी सूजी का चीला खाया, सूजी हो गया, कितना रवा खाऊं मैं बताऊं। देखो सबसे पहले तो प्रसाद का मासी ने दिया हलवा, मैंने वो खा लिया, फिर उसके बाद मुझे दिया पराठा दे पनीर दी बढ़िया वाली भुर्जी, पनीर भुर्जी बहुत अच्छी बनी थी, खा के मज़ा आ गया। और बहुत दिनों बाद उसमें डाला था टमाटर, मतलब टमाटर हम खा रहे हैं लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही टमाटर डाला गया था। फिर उसके बाद मासी ने सूजी का चीला दे दिया, जो मेरे जाने के बाद गूगल दीदी और मासी ने बना के खाया था ब्रेकफास्ट में। तो देखो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, दे छोटा सा हलवा वाला मीठा भी खा लिया, तो ऑलमोस्ट डिनर ही टाइप का फीलिंग आ रही है मेरे को। टेंशन मत लो, मैं व्लॉग एंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ही खा लिया हूँ, तो अब लंबा लेट होके सोऊंगा। तो मिलते हैं एक लंबे से नैप के बाद। देखो मुझे उम्मीद तो थी कि नींद आएगी, लेकिन इतनी ज़ोरदार आएगी मुझे नहीं लगा था। मैं आ गया था सोने के लिए लगभग 7 बजे तक आ गया था सोने, और अभी 8:30 बज रहे, 1.5 घंटा क्या ज़बरदस्त नींद आई है। अभी भी नींद में ही हूँ, लेकिन अब मैं उठ गया हूँ तो व्लॉग वगैरह एडिट कर लेते हैं, अपलोड करके शेड्यूल कर देते हैं, ताकि कल सुबह 9 बजे व्लॉग टाइम पर आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद नीचे जाएंगे, क्योंकि क्या है ना मैं पहले नीचे चले जाता हूँ तो ब्लॉग एडिट हो नहीं पाता है, और फिर मैं वॉक वगैरह पे चला जाता हूँ, मतलब वॉक करके आता हूँ, फिर और लेट हो जाता है, फिर खाना खा लेता हूँ, फिर मन नहीं करता, फिर सुबह उठ के जल्दी जल्दी मैं ब्लॉग एडिट करके अपलोड करता हूँ, या फिर रात को ही कर लेता हूँ, लेकिन बहुत लेट हो जाता है, तो मेरे को उस चक्कर में ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। तो मैं अभी अपना शेड्यूल थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश यही है कि ब्लॉग वगैरह टाइम पर एडिट हो और शेड्यूल वगैरह थोड़ा सुधर जाए। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें, नए नहीं हैं तो शेयर कराएं, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और कमेंट जरूर किया करें, थोड़ा वीडियो पे एंगेजमेंट बढ़ेगी। मेरे को पता है थोड़ा बोरिंग चल रहा है आजकल ब्लॉग, लेकिन धीरे धीरे अपन थोड़ा और इंटरटेनमेंट लाने की कोशिश करेंगे ब्लॉग में। बस कहना आजकल थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, इसलिए मतलब मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नया कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन जल्द ही चेंजेस आएंगे और मज़ा भी आएगा ब्लॉग देखने में और ब्लॉग बनाने में भी।
आजकल दोनों चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं ब्लॉग बनाने में भी और ब्लॉग देखने में भी। तो जो भी है अपन थोड़ा सुधार लाएंगे धीरे धीरे। तो क्योंकि शाम के नाश्ते के नाम पे मैंने इतना खाना खा लिया कि अब मेरे को भूख ही नहीं लग रही, तो अपन बस ऊटनी का दूध पीते हैं एक कप भर के और चुपचाप सो जाएंगे चल के। देखो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो जी भर के सो लो मेरे यारा। देखो खाना तो मैंने कब का खा लिया था, मतलब जब मैं ऑफिस से आया तभी, और फिर दोबारा मेरे को भूख लगी नहीं, तो मैंने बस दूध पिया है और अब अपन सोएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस व्लॉग। कल के मिनी व्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। 500 व्लॉग चैलेंज का व्लॉग 210 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। देखो नींद मेरे दिलो दिमाग पे छाई है, इसीलिए हमने व्लॉग चैलेंज गलत बताई है। 210 नहीं हुआ, 211 हो गए। क्या अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हैं। याददाश्त भी कमजोर हुई मेरी, इसलिए बादाम खाना चालू कर दिया हूँ। आज दूध के साथ साथ बादाम भी खाया हूँ भिगो के, मतलब मासी भिगो के रखी थी, मैं खाया हूँ 4-5 बादाम। तो कुछ दिन में अपनी बुद्धि ठीक हो जाएगी तो ये छोटी मोटी गलतियाँ नहीं होंगी। चलो बाय बाय। 211 कंप्लीट हो गया, 211। देखो वैसे सच सच बताऊँ तो 212 होता है, लेकिन बीच में ना एक दिन गड़बड़ा गया था। वो क्या है, 189 दो बार शूट हो गया, मतलब 190 दो बार शूट हो गया था। मतलब मैंने बोल दिया था 190 है ऐसा करके, दो दिन सेम चीज़ बोल दी थी। तो उसके वजह से उस ब्लॉग को मैंने स्पेशल ब्लॉग करके डाला है, जिस दिन हम डीमार्ट गए थे उस दिन मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। तो कोई बात नहीं, ऐसा ऊपर नीचे होता है, अपने पास एक आग एक्स्ट्रा ब्लॉग रहते हैं तो एडजस्ट हो गया है। 211 ही सही, 212 वहाँ बनता है लेकिन 211 ही सही। चलो एक कम।